स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मेजर ने किया फिजा खान का मोए मोए, फिजा खान वर्सेस मेजर गौरव आर्या, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये मोए मोए वाला ट्रेंड बहुत चल रहा है। एग्जैक्टली क्या है भाई मोए मोए? बहुत बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं लोग यूट्यूब में, लेकिन हाँ ये वीडियो है किट्टू राव जी का हो सकता है, क्योंकि उसका हिसाब से टाइटल मेरे को उसी का ही दिख रहा है। और तो अच्छी बजाएंगे भाई। चलो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं क्या कह रहे हैं किट्टू राव वर्सेस मेजर गौरव आर्या, और आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी। किट्टू राव वर्सेस फिजा खान वर्सेस मेजर गौरव। सॉरी दोस्तों मेरे से मिस्टेक हो चुका है, कोई बात नहीं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उसके पहले एक बार रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका का गुरूर अफगानिस्तान के मैदानों में मट्टी का ढेर साबित हुआ, ऐसा ही है ना? नहीं, अमेरिका को इस बात का बड़ा खुमार था। मजा नहीं आ रहा है। वाह क्या सीन है कि वो दुनिया की सुपर पावर है और उसके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, कि मोदी खित्ते के अमन का दुश्मन है, दुनिया के अमन का दुश्मन है। है करके तुमने इतनी जवान निकाली, तुम्हारी जवान खींच के मफलर बना। सर्दियों का वक्त है, भारत ने अफगानिस्तान के जरिए भी खित्ते में बादशाह बनने का ख्वाब देखा। सर्दियों का मौसम है, पाकिस्तानी अपनी जवान का मफलर पहनना तुम ठीक है बोल के। ताकि अमेरिका जैसे मेहमान को अफगान तालिबान ने जूते मारकर जबरदस्ती घर से धक्के देकर निकाल दिया। 2000 years later अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही, और अफगान हुकूमत ने मुआयदा किया था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा टेररिस्ट तंजीमें पाई गई हैं दुनिया में वो पाकिस्तान में है, और वो टेररिज्म के लिए ब्लेम कर रहा है अफगान तालिबान को। और अब नाम निहाद अमेरिका जैसे सुपर पावर अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर हो गए। दोस्तों पाकिस्तान से ना कुछ गर्मा गर्म खबर है। अब पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी, धरती पर अपने नापाक वजूद का बोझ डाला। Now that's a show. माशी तौर पे दिवालिया होने से पहले मेरे ख्याल से जहनी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं, और इन्हें चाहिए कश्मीर, ये लेंगे कश्मीर। कश्मीर का सौदा कर दिया, इसे बेच दिया मोदी के हाथ। वाह बहुत सही बहनचोद। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गीदड़ भभकी दे दी। गेम है ओवर हो चुकी है, गेम ओवर। और सच कहते हैं जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद भी उसमें गिर जाता है। कैसे? पाकिस्तान ने भारत के सामने अपनी पोजीशन भी वाजे कर दी है, और इसके ऊपर एक शेर है, पाकिस्तान बहुत अहम है ये उसका वहम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये शेर कुछ और था, मैंने तोड़ मरोड़ के पाकिस्तान में जोड़ दिया। यही तो कयामत है। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जब तालिबान का नया नया जन्म हुआ था, मतलब सपोला नया नया पैदा हुआ था ना, तो फिजा खलीफा ने क्या जश्न मनाया था जैसे उसके खुद के लड़के का कुआ पूजन जलसा हो रहा हो। भारत को ख्वाब देखने की तो आपको पता है बहुत बुरी आदत है, लत लगी हुई है, और जब जब मोदी अपने ख्वाब की ताबीर करना चाहता है तो हर बार जलील होकर रह जाता है। पाकिस्तान को पता नहीं अपने बारे में क्या गलतफहमी है, क्या खुशफहमी है, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ये तीर तुक्का मार देंगे। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, फेंटा पढ़ना, और भारत को ऐसा फेंटा पड़ता है कि उसके होश ठिकाने आ जाते हैं। औकात दो कौड़ी की नहीं है, लेकिन धमकियां ऐसी लाहौरियों की कि भाई साहब क्या बताएं आप। दी एंड हो चुकी, बाकी सब भिखारी भीख मांगते हैं, पाकिस्तान स्टाइल से भीख मांगता है, वो फर्क है। पाकिस्तानी जब भीख मांगने जाएगा टाई पहन के जाता है, अपना टाई पहना भिखारी देखा है, टाई पहन के सूट पहन के मेडल लगा के खाकी वर्दी चका चक एकदम। मुझे देख बाबा, मैं रेडीमेड भिखारी लगता है भाई। देखो तो आपको भीख देने का मन भी चाहेगा। फिर उस सब बैंड बाजे बारात के साथ एक बड़ी तरसाती हुई शक्ल कि सर कुछ तो देख लो यार। दो वक्त की रोटी कमाकर खाना आवाम के लिए बकायदा बहुत मुश्किल अमल बन चुका है। तुम टके टके के लिए क्यों दर बदर ठोकरें खाते हो यार, ये तो समझाओ मुझे। कोई तो बताए, कोई पाकिस्तानी ये तो बताए, हम बहुत अहम है, हमारे बिना दुनिया चल नहीं सकती। जैसे कश्मीर हमारा शारग है, हम दुनिया की शारग है। कश्मीर का सौदा कर दिया, इसने गाना गाना ही था कश्मीर का। पाकिस्तानियों तुम्हारी वाट लगने वाली है, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा आर्मी चीफ गया है तुम्हें बेचने के लिए, भारत के हाथों बेच दिया। अब ये होता ना खाली हाथ, तुम कई बार बिके हो, अब दोबारा बिकोगे तुम, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब एक बात बताओ, कश्मीर के लिए तुमने करा क्या? जमानी जमा खर्च। पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछ रहा भाई, बुरा मत मानना मेरे वर्ड्स का, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछ रहा। पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए आवाज उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। सब झूठ,
सब फ्रॉड, खित्ते के अमन के लिए भारत को मकबूजा कश्मीर में अपने काले कवानीन वापस लेना हो। ये टीवी पे बैठ बैठ के बकवास करते हैं दिन रात, अपने टीवी के प्रोग्राम्स में लंबी लंबी छोड़ना चार पांच बुजुर्गों को बैठा के। अरे लाली साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी, क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फायदा उठा सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है? बिल्कुल कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा दुश्मन नंबर वन हिंदुस्तान है। तुम्हारा असली दुश्मन कौन है इस वक्त? असली तुम्हारा जो असली में दुश्मन है ठीक है, दैट इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एम आई राइट? और अब एक ह्यूज क्राइसिस आ गया है, इंशाल्लाह निपटेंगे। क्या को उम्मीद है कि निपटेंगे इससे? अरे भाई अफगानिस्तान, तुम अफगानिस्तान का क्यों चूरन बेच रहे हो? तुम्हारे यहाँ तो खुद लश्कर तैयबा है, तुम्हारे यहाँ खुद जैश मोहम्मद है, तुम्हारे यहाँ खुद हिजबुल मुजाहिदीन है, सारे के सारे टेररिस्ट आउटफिट तुम्हारे घर में पाए गए हैं, ओसामा बिन लादेन तुम्हारे घर में, अल ज़वाहिरी तुम्हारे घर में, सब तो तुम्हारे घर में। तुम अफगानिस्तान की तरफ क्या उंगली दिखा रहे हो यार? तुम्हारे पास है क्या ये बता दो कि मेजर साहब हमारे पास ये चीज है, छोड़ के राहदारी। मुल्क और अवाम दिन ब दिन तबाही की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, हालात हुकूमत से क्योंकि संभल नहीं रहे हैं, मईशत दिन ब दिन बैठ रही है, गवर्नेंस का तो नामो निशान नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर दफन हो चुका है, दहशत गर्दी शुरू हो चुकी है, और हम माशी तौर पे दिवालिया होने से पहले मेरे ख्याल से जहनी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। तुमने दुनिया को दिया क्या है ये बता दो कि साहब हमने दुनिया को ये दिया है? पाकिस्तान वो कौम है जिसने दुनिया को ये दिया है। दिल पर भारी पत्थर रखकर हमारा जो मुल्क है वो आए रोज धमाकों से गूंजता था। अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तो कहता है, लेकिन अगर इसका दावा दुरुस्त होता तो यकीनी तौर पर इसको अफगानिस्तान से इस तरह इतना जलील होकर इतनी जिल्लत के साथ ना निकलना पड़ता। बातें देखो इन गरीबों की, बातें देखो भाई, और ना ही 20 साल तक इतनी तवील जंग करना पड़ती। लेकिन वो कहते हैं ना कि गरूर का सर तो हमेशा नीचा ही होता है, और जब से अमेरिकन ने अफगानिस्तान में अपना इंटरेस्ट खोया है और अमेरिकन ने मना कर दिया कि हम अफगानिस्तान से जा रहे हैं, तो भाई साहब कोई हेड ऑफ स्टेट आपके आने के लिए तैयार नहीं है। यूएस का प्रेसिडेंट इंडिया आता है, आप तरले करते हैं उसके कि एक घंटे के लिए रुक जाओ। आप अमेरिका खुद को दुनिया का मालिक समझता रहा, वे कहते ना कि तुम यहाँ के चौधरी लगे हुए हो, बिल्कुल दुनिया का चौधरी बना फिरता था, दुनिया का मालिक समझता रहा खुद को, सुपर पावर, सबसे बड़ी ताकत। और जा तू छोले मुर्ग खा, जो भी तुम्हारी डिशेज होती है कढ़ाई शढ़ाई खाओ, तुम्हारी उतनी औकात है, कहाँ तुम फंस रहे हो यार इन सब चीजों में। इसी तरह अमेरिका की जो राल है ना, वो इराक में तेल के कुएं देखकर टपकती रही। जब पाकिस्तान एटमी धमाके करने वाला था तो अमेरिका ने पाकिस्तान पर भी भरपूर अंदाज में दबाव डाला कि पाकिस्तान एटमी धमाके करने से बाज रहे, बाबा। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका का दबाव मानने से इनकार कर दिया, वरना आज हमारा भी जो एटमी प्रोग्राम है वो हाईजैक हो चुका होता। एटम बम है हमारे पास, हम वाहिद इस्लामिक मुल्क हैं जिनके पास एटम बम है। मुझे बॉम्ब बांधो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। जो अफगान तालिबान है उन्होंने अमेरिका की सुपर ताकत का पोल खोलकर सबके सामने रख दिया। हकीकत ये कि भारत अफगानिस्तान में हार चुके हैं और पाकिस्तान जीत चुके हैं। पाकिस्तान में जो लड़ने वाली कौमें हैं ना, वो बलोच हैं। भारत भी बलोचिस्तान पे नजर जमा कर बैठा हुआ था, ये साजिश की गई। रादी साजिश है, इंडिया की जो लाबी है, साजिश करना उसकी हाबी है। ये तुम दिन भर ये गाते रहते हो, लाबी और हाबी। भारत ने फिफ्थ जनरेशन जो वॉर है इसके सहारे पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की, और फिर बाद में भारत अपनी साजिश में मुंह के बल गिर गया। लाहौरियों क्यों ऐसी हरकतें करते हो यार? अच्छा नासिर, इंसान की फितरत है कि जब वो दूसरों के घर खाना खाता है या दूसरों से कोई चीज लेकर खाता है तो उसको अपने खाने की निस्बत ज्यादा मजा आता है। लानत है तुम लोग पे, लानत। सारी उम्मीदें ना तालिबान से थी कि जो करेगा आप देख लेगा आप, बस तालिबान और फिर पाकिस्तान यही रहेंगे दुनिया में। ये फिजा के सपने थे, ख्याली पुलाव थे। अब वक्त बदल गया, अब अफगान तालिबान भी मोदी को बता रहे हैं कि अब मोदी तेरी मर्जी नहीं चलने वाली। अच्छा मैं सोच रही हूँ मोदी का बनेगा क्या अब अफगानिस्तान के रास्ते से, ये जो शरंगेजी है करेगा कैसे? खित्ते में तेजी से बदलती जो सूरत हाल है उसको अगर आप देखें, जहाँ ताकत के नशे में चूर अमेरिका और भारत खुद को बकायदा फिरौन समझने लगे थे, और दोनों मुल्कों को ये लगता था कि वो अफगानिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले फॉर्मूले के तहत शायद पूरे खित्ते को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी और जो मजबूत गिरफ्त है उसके बाद लाठी भी टूट गई और सांप भी मर गया, और इस वजह से भारत को कहते हैं कि सांप सूंघ गया, आप ये सुन रहे हैं, और सूंघा हुआ है।
भारत का खित्ते पर दादागिरी का ख्वाब है वो भी टूट कर रह गया और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना वो भी हासिल हो गई है। सफोला फिजा का दूध पी पी कर अजगर बन गया और फिजा को ही निकलने लगा, समझ रहे हो। पाकिस्तान को ही आए दिन आज वहाँ बम फूट रहा, आज वहाँ हो रहा है, ये हो रहा है। एक दिन तो मैं सच्ची बताऊँ फिजा की कुर्सी के नीचे बम फूट गया था, बच गई वो तो मेरी दुआओं से, आपकी दुआओं से, फिजा के आशिकों की दुआओं से बच गई, लेकिन सच में फिजा की कुर्सी के नीचे बम फूट गया था। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही और अफगान हुकूमत ने मुआयदा किया था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। फिजा आगे स्वाद तालिबान ने सुझा दी। ये जो दहशतगर्दी का बड़ा वाकया हुआ इस पर क्या कहेंगे आप? तुम तो जश्न मना रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे सड़क पे, लुड़ियां पा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, अब तो कश्मीर हो गया हमारा, अब तो हमारे मुसलमान परा बैठे हैं। और यूं पाकिस्तान को जिस मुल्क से बैरूनी खतरा था वो अब खत्म हो गया, टल गया। फिजा क्या कॉमेडी करती है यार। लव यू। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना, लव यू माय किटकैट्स। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। भाई किट्टू राव आप कैसे 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 एडिट करते हो, आप हमें भी समझा दो। वीडियो तो गया तेल लेने, लेकिन आप हमें ये बता दो कि इतना सारा एडिटिंग करने में कितना टाइम लगता है। और रबर क्लिप फिट की थी, फिजा की और मेजर बिल्कुल। और फिजा खान का तो भाई देखो, फिजा खान के ऊपर तो कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आज ये न्यूज पता की फिर कल आके बोल देगा भाई मेरे से गलती होगी, सॉरी। ये स्क्रिप्ट में हमने देखा कितनी बार वो फिर ये पहले बता नहीं, ये वीडियो है ना फिजा खान के वो ओल्ड वाले वीडियो जो है वो देखने जैसे, वो लाइक उस समय के जब अफगानिस्तान में सब उछल पुछल चल रहा था, गवर्नमेंट टीटीपी ने मतलब वहां पर सत्ता संभाल तो इतनी फूली नहीं समा रही थी, वो कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहे थे, अब तो गया रास्ता खुल गया है, ओ फलाना ढिमकाना जब मुंह के बल गिरा है, नहीं बिल्कुल हमने अब अफगानिस्तान में राज करे तो कश्मीर तो यूं कर लेंगे वगैरह जो भी था उसका। बट अब कहाँ गया सारा का सारा राज, बोलने सपोला पे रजर बन गया और इसको ही निकल गया। यही बट किसी के ऊपर आप बद्दुआ डालोगे ना तो वो बद्दुआ उनको नहीं लगती बट तुम्हें ही लगती है। अभी भी बोल रहे ना भाई मैसत हो गया, पूरा दिवालिया हो गया पाकिस्तान, तो होगा आप मीडिया में आके यही भाषण करोगे तो पाकिस्तान के साथ ऐसा होगा। और दोस्तों इस वीडियो को सिर्फ मजाक के तौर पे लेना, सीरियसली कभी मत लेना। बाकी सीरियस लोग थोड़ी बहुत बातें जाननी तो मेजर गौरव आर्या जी का चैनल है ही हमारे पास, जाके चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान की कुंडली बता दी, हाँ वो कुंडली जी सब कुछ नशे आने वाली नस्लें तक बता देंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।